हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी फ्राइड फिश की रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि खाने में तो मज़ेदार है और बनाने में उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करने के लिए तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, जिसमें मैंने एक टीस्पून ये सौंफ कुटी हुई है वो ले लिया है, एक टीस्पून नमक ले लिया है, एक टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है, एक टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, एक टीस्पून गरम मसाला लिया है और एक टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। फिर मैंने इसमें एक नींबू का रस और एक टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। इसके बाद मैंने आधा टीस्पून क्रश रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और फिर ये देखिए मैंने दो स्पून मैंने इसमें करीब ये जो पिसा हुआ चावल होता है वो ऐड किया है। फिर मैंने इसमें करीब एक टीस्पून गार्लिक ग्रैन्यूल्स ऐड किए हैं। आप गार्लिक ग्रैन्यूल्स कर सकते हैं, गार्लिक पाउडर कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और फिर मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जब ये अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाएगा फिर मैं इसमें अपने अगर आप चाहें ये ऑप्शनल है इसमें मैं कलर डाल दूँगी। तो फूड कलर आप कोई भी ले सकते हैं और अगर ना भी चाहें तो मत ऐड करिए इसको। अब देखिए मैरिनेट हमारा रेडी हो गया है, तो इसमें हम फिश के पीसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सैल्मन फिश ली है, उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेट अच्छे से करेंगे, अच्छे से सैल्मन के पीसेस में मैंने ये सारा मसाला रब करूँगी, जैसे कि वो मैरिनेट जब हो तो उसमें सब फ्लेवर ऐड हो जाए। अब देखिए मसाला अच्छे से हमने लगा दिया है फिश में। अब इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके करीब एक घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। आप और भी ज़्यादा टाइम रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। मैंने करीब एक घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं ऑयल डाल लूँगी, तो ऑयल में उतना ही डालूँगी जितने में मेरी फिश एक साइड से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, मुझे डीप फ्राई नहीं करना है इसको। अब जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें मैं फ़िश के पीसेस डालूंगी। अच्छा, ऑयल अगर ठंडा हो, बहुत कम गर्म हो तब मत डालिएगा, तब फ़िश जो है नहीं अच्छे से बनती है। तो काफ़ी अच्छे हॉट ऑयल में फ़िश डालिएगा। तो देखिए मैंने सारे फ़िश फिलेट्स इसमें निकाल के रख दिए हैं। अभी इनको पलट पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे देखिए पलटने से पहले मैंने इसके ऊपर करी लीव्स भी रख दिए हैं और ग्रीन चिलीज़ भी डाले हैं, तो जैसे इसके फ्लेवर भी इन्हांस होंगे और थोड़ा सा अपीयरेंस में भी अलग आता है और देखने में बहुत ही डिलीशियस लगता है और खाने में बहुत टेस्टी बन जाता है। अब देखिए एक तरफ करी लीव्स लगा दी हैं तो मैंने उसकी साइड चेंज कर ली है। अब दूसरे साइड से भी इसको मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी। अब देखिए यहाँ पे दूसरे साइड से भी फ्राई हो गया, मैंने फिर इसको पलट लिया है और पलटने के बाद मैं देखिए इसमें और थोड़ी करी लीव्स और ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़े से ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी करी पत्ते ऊपर से डाल दिए हैं। देखिए अब हमारी फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई है और हमारी चिलीज़ भी करी लीव्स भी अच्छे से ऑयल में फ्राई हो चुकी है। तो इसी स्टेज में अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हम मैक्सिमम ऑयल ड्रेन करते हुए निकालते जाएंगे इसको और सारी चिलीज़ और करी लीव्स को भी बाहर कर देंगे। देखिए सारी फिश और करी लीव्स ग्रीन चिलीज मैंने बाहर निकाल ली हैं। अब देखिए आपको कितनी ये क्रिस्पी लग रही हैं, फ़िश भी क्रिस्पी लग रही है, करी लीव्स भी, ग्रीन चिलीज सभी कुछ क्रिस्पी लग रहा है, देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आपने देखा ही होगा कि ये बहुत ही आसानी से बन गया। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब घर में मौजूद होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और सबको बहुत पसंद आता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी।